त्योहार के मौसम में जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर आम आदमी की थाली से लेकर जेब पर पड़ रहा है। हमीरपुर में प्याज के दाम कई जगह 80 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जबकि पहली बार आलू का रेट भी 60 से 80 रुपए हुआ है। साथ ही हरी सब्जियों के दाम भी 50 रुपए से ऊपर हैं, जिससे दुकानों में जाकर ग्राहक सब्जी खरीदने से गुरेज करता नजर आ रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं को भी सब्जियां बेचने में मुश्किलें पेश आ रही हैं और कई बार सब्जी नहीं बिकने से फेंकनी पड़ रही है, जिससे घाटा उठाना पड़ रहा है। हमीरपुर में सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने पर लोगों का सरकार के प्रति गहरा रोष है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों का रसोई का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जल्द बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाना चाहिए। हम गरीब आदमियों का जीना आराम कर दिया जी, इसे तो आलू दे कीमत जो कि नॉर्मल गरीब तो गरीब आदमी खाने वाला था, उसकी थाली तो खाली हो गई है। और जो या गरीब आदमी आलू या प्याज वगैरह वगैरह से गुजारा करता था, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। प्याज 80 रुपये किलो हो रहा है, आलू 80 रुपये से आ गया, तो क्या गरीब आदमी की तो थाली से रोटी छीन ली है। रेस्टोरेंट के मालिक विपिन ने कहा कि सब्जियों के दामों के बढ़ने से व्यवसाय भी प्रभावित होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर पकवानों में आलू प्याज का इस्तेमाल होता है और आए दिन रेट बढ़ने से ग्राहकों से तैयार किए गए पकवानों के पैसे अधिक नहीं लिए जा सकते हैं, जिसके कारण घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसा है कि हमने तो जून में शुरू किया था, तो उस वक्त तो रेट और आज के रेट में तो लगभग 5-6 गुना का फर्क पड़ गया हुआ है। आप रेट अपने सेलिंग प्राइसेस तो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, कोई नहीं खरीदेगा, तो आप लगा सकते हैं कि आप लॉस में जा रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट तो है ही नहीं कुछ नहीं। तो मेरे को तो लगता है कि इस महंगाई के ऊपर कम से कम जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए, अदरवाइज तो कोरोना से उठ रहा है आदमी अभी, अगर इस तरह की महंगाई झेलेगा, इस तरह की कॉस्टिंग रहेगी उसकी, कैसे सर्वाइव करेगा। क्या मांग करते हैं सर सरकार से आप? कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्राइजेज हैं, आप देख सकते हैं 80 रुपये प्याज, 70 रुपये आलू, बेसिक चीज़ें हैं ये तो चाहिए। आपने कोई भी आपका फूड आउटलेट है आपका, तो ये तो बेसिक है। आप 100 रुपये 50 रुपये की थाली को आप 100 तो नहीं कर सकते ना, आप गेस्ट कस्टमर तो आपको 100 रुपये नहीं देगा, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट तो उतने महंगे पड़ रहे हैं, तो मार्जिन कहाँ है, कहीं भी नहीं, तो बंद हो जाएंगे बिजनेस जो खुले हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी मंडी से ही सब्जियां बहुत महंगे दामों पर मिल रही हैं, जिसके सब्जी बेचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और ग्राहक कम सब्जी खरीद रहे हैं, और जिस कारण गोदाम में रखे हुए सामान भी सड़ने लगा है। पीछे से रेट ही महंगा आ रहा है, तब बेचना पड़ रहा है। अब प्याज आ रहा है, पीछे से 50 रुपए आ रहा है, 50 भी आ रहा है, जैसा रेट है 50 भी आ रहा है, और आलू पाड़ी आ रहा है 45 रुपए, अब बेचना क्या रेट बताओ। महंगाई पीछे से बहुत है सब्जियों की, मंडी से आ रहा है ना, हमें ये तो पता नहीं कि पीछे क्या रेट आ रहा है, यहाँ का पता है वो बता रहे हैं आपको। खरीदारी क्या कर रहे हैं और क्या जो सस्ता देख रहे हैं, वो हमें भी सस्ता बेचना पड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है माल, फिर जो रेट रेट आप रेट रेट दे देते, फिर सौदा क्या करना, कमाना तो है ही, दूर से आए पैसे ही पूरा हो जाए वही बहुत है। सर पीछे से ही काफ़ी महंगा सामान आ रहा है, इस चक्कर से हमें भी उसी हिसाब से बेचना पड़ रहा है, अपनी तो अपना भी तो कुछ करना है लॉकडाउन की वजह से, क्या करिए। ग्राहक क्या बोलता है, ग्राहक बोलता है सस्ता लगा लो, हम बोलते हैं क्या करिए, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है, माल आया ही नहीं है, तो क्या करिए, इस चक्कर से जो रेट लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके दे देते हैं। बिक जाता है सामान, सारा सामान बिक भी जाता है, नहीं बिकता है तो उसको रेट रेट भी देना पड़ता है सर। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रखती है, और जब तक सरकार कृषि विधेयक को वापस नहीं लेती है तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने कानून के अनुसार थोक विक्रेताओं को तय सीमा के अनुसार ही अपना स्टॉक रख सकता था, लेकिन नए कृषि विधेयक के अनुसार वह सीमा समाप्त कर दी है, जिसके चलते थोक विक्रेताओं ने सामान का अधिक मात्रा में अधिग्रहण किया है, जिससे बाजार में सामान की कमी आई है और महंगाई दर बढ़ गई है। देखिए जो नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इसमें एक पहले जो कानून थे उसमें प्रोविज़न था कि जो भी स्टॉकिस्ट थे, बड़े व्यापारी थे, वो किसी भी खाद्य पदार्थ की जो जो स्टॉक था, स्टोरेज थी, एक सीमा तक कर सकते थे,
और नए जो कानून बने इनमें उस सीमा को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी व्यापारी जो है, बड़ा जो बिजनेसमैन है, किसी भी सीमा तक चीज़ों को स्टॉक कर सकता है। और इस कानून के बनने से ये एक जो लिमिट ख़त्म हुई है उसकी वजह से एक कृत्रिम अभाव जो है मार्केट में चीज़ों का पैदा करके महंगाई जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। ये कानून वापस ले सरकार निश्चित तौर पे, जो ये कानून, नए कृषि कानून सरकार बनाए हैं सरकार ने, सारे किसान इसके खिलाफ हैं और इसका असर जो है किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के ऊपर भी पड़ रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और पूरे के पूरा जो मार्केट है वो बड़े जो सरमाएदार हैं उनके हाथ में चली जाएगी और आम आदमी जो है, उपभोक्ता जो है, अंततः वो है उसमें जो है वो त्राही त्राही मचेगी। कृषि कार्यकारी उपनिदेशक अजय कुमार चोपड़ा ने बताया कि प्याज, आलू और सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण बाहरी राज्यों में भारी बारिश के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते बाजार में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बढ़े हुए दामों में कटौती होने के आसार हैं। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में पिछले कुछ समय मौसम अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से सभी सब्जियों पर नुकसान हुआ है और सब्जियों की सप्लाई कम होने से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसमें भारी रेटों में भारी चढ़ाव आया है। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अब सीजन हमारा चल रहा है गोभी का, ये तो जैसे ही हमारे यहाँ से गोभी निकलना शुरू होगी तो दाम कम होने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में प्याज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भारी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से प्याज के दाम में भारी चढ़ाव आया है।